हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे बादाम मिल्क केक। बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना उतना ही आसान है, और हम बादाम से ही बनाएंगे इसे। तो मैंने बादाम मिल्क बनाने के लिए 15 पीस बादाम को मैंने रात भर के लिए पानी में छोड़ दिया था, और आप देख सकते हैं अब इसके आसानी से छिलके मैंने निकाल लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक मिक्सर के जार में बादाम को डाल देंगे, और हम बिना कोई पानी या दूध का यूज किए इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। हम इसे सूखा ही पीसना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया है, बहुत आसानी से ये पिसा चुका है। तो अब हम इसमें लेंगे दूध। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है, और इसे बनाने के लिए हमें कोई भी फुल फैट क्रीम वाले दूध का लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी दूध यूज करते हैं, आप वो दूध को से बादाम मिल्क आसानी से बना सकते हैं। अब हम इसे उबालने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे, और हम इसे उबलने देंगे। जब अच्छे से ये उबल जाए, तो गर्म दूध को मैंने थोड़े केसर के दाने लिए हैं, आप देख सकते हैं उसमें दूध को, गर्म दूध को हम डाल देंगे, ताकि ये अच्छे से केसर हमारा गर्म दूध से में घुल जाए। और ये आप देख सकते हैं दूध मेरा अच्छे से उबल गया है, और मैंने 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से उबाल लिया। उसके बाद केसर को मैंने उसमें ट्रांसफर कर दिया। देख सकते हैं दूध का पीला कलर कितना अच्छा आया है, ये केसर की वजह से है। अब हम इसमें डाल देंगे 10 चम्मच चीनी। फ्रेंड्स, 10 चम्मच चीनी काफ़ी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो आप इससे ज़्यादा भी चीनी यूज़ कर सकते हैं। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसे 15 से 20 मिनट और अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम इसे उबलने देंगे। तब तक हम 1 चम्मच ठंडा दूध ले लेंगे फ्रेंड, और उसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। ये वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। हम इसमें 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे, और ये आपको ध्यान रखना है कि इसे ठंडे दूध में ही इसे मिक्स करें, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर को अगर गर्म दूध में आप डालेंगे तो वो लम्स फॉर्म कर जाता है, इसलिए ठंडे दूध में आप बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मैंने कस्टर्ड 1.5 चम्मच डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा दूध में उबाल आ रहा है। तो अब उबलते हुए दूध में हम डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर से हम उसे डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स, हमें दूध को ध्यान रखना है कि दूध को हमें गाढ़ा भी करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें 15-20 मिनट इसे चला करके गाढ़ा कर लेना है। 15-20 मिनट में हमें जितना गाढ़ा दूध होना चाहिए उतना वो हो जाएगा, और आप देख सकते हैं और अब 15 से 20 मिनट हो चुका है। तो हम अब इसमें बादाम को ट्रांसफर कर देंगे, और फ्रेंड्स बादाम जो पेस्ट हमने बना के रखा था उसे ट्रांसफर करने के बाद इसे हम फिर से 5 से 10 मिनट अच्छे से चला लेंगे। फ्रेंड्स, आप अपने फ्लेम को अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लें दूध को, और आप देखेंगे दूध हल्का हल्का गाढ़ा होने लगेगा। आप ज्यादा गाढ़ा ना करें, 15 से 20 मिनट काफी होता है इसे गाढ़ा करने के लिए। जितना हमें गाढ़ा होना चाहिए उतना गाढ़ा मुझे अब दिख रहा है, उस हिसाब से 15-20 मिनट आप अच्छे से गाढ़ा करने के बाद इसे अब हम गैस को कर देंगे बंद। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें उससे पहले हम उसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने बादाम, पिस्ता और काजू को चॉप करके रख लिया है, थोड़ा बचा लेंगे ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए। और अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा गाढ़ा कर लिया, तो अब हमारा बादाम मिल्क तैयार है। आप चाहे तो गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं। ठंड के दिनों में बादाम मिल्क गर्मा गर्म ही सर्व करें, बहुत फायदेमंद होता है। नहीं तो आप फिर से आप ठंडा करके फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख लें और फिर इसे सर्व करें। तो फ्रेंड्स, अब हमारा मैंने इसे ठंडा करके फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख लिया था। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये ठंडा हो गया है, तो हम अब इसे ठंडा ठंडा ही सर्व करेंगे। और जिस ग्लास में सर्व करना चाहते हैं उस ग्लास में आप निकाल लें, और हमने जो ड्राई फ्रूट्स बचा लिया था अब उससे हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे। देख सकते हैं पिस्ता और बादाम और काजू को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो
तो फ्रेंड्स, आपका बादाम मिल्क तैयार है सर्व करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर टैप करें, ताकि इसी तरीके से नई और इजी और टेस्टी रेसिपी हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। धन्यवाद।